मैम को सीधा लिंक भेज दिया। ओके मैम आपके क्लास में बहुत मजा आया। ओके बाय बाय। मैम काव्या ने, मैम काव्या ने बहुत बड़ा लिंक भेजा हुआ है। ओके बाय मैम। बाय मैम। बाय मैम। बाय 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 मैम। बाय मैम। मैम बाय 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 मैम। मैम यस मैम। बाय मैम। काव्या, काव्या ने बहुत बड़ा लिंक भेजा हुआ है। ओके आई एम गोइंग टू रिपीट दिस एक्सप्लेनेशन। चैप्टर नंबर 10 वी सेज लिसन केयरफुली। सेट द फर्स्ट लिटिल चिक विद अ क्वेल लिटिल स्क्वेयर। आई विश आई कुड फाइंड a fat little board. Set the next little chick with a sharp little spill. I wish I could find some nice yellow meat. Means first little chick जो है वह कहता है रेंगती हुई आती है कि मेरी इच्छा है कि मुझे एक fat little board मिल जाए, कीड़ा मिल जाए. And second जो little chick है वह sharp cry के साथ में बोलता है कि मेरी इच्छा है कि मुझे कुछ नाइस येलो मील मिल जाए ब्रेकफास्ट के लिए। सेट द थर्ड लिटिल चिक विद अ स्मॉल साई ऑफ ग्रीफ। आई विश आई कुड फाइंड अ लिटिल ग्रीन लीफ। सी हियर सेट द हैन फ्रॉम द नियर गार्डन पैच। इफ यू वांट एनी ब्रेकफास्ट जस्ट कम हियर एंड स्क्रैच। तो थर्ड लिटिल चिक है वह कहता है ग्रीफ सौरों के साथ में कि मेरी इच्छा है कि मुझे एक स्मॉल ग्रीन लीफ मिल जाए। तो हैन कहती है सी हियर यहाँ देखो गार्डन में पैच में। इफ यू वांट टू एनी ब्रेकफास्ट यदि आप कुछ ब्रेकफास्ट चाहते हैं तो जस्ट कम हियर एंड स्क्रैच यहाँ पर आओ और उसको स्क्रैच करो। तो मेहनत करने से आपको ब्रेकफास्ट मिल जाएगा फिर विश करने से कंप्लीट नहीं होगा राइट। यस मैम। यस एंड नाउ दीज आर मीनिंग्स। These meanings you have to write in your notebook and learn. You have to write and learn all word meanings. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Yes. Okay, ma'am. 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 No, no, no. Question answers नहीं है. Exercise A1, complete the following sentences in your own words. You have to complete these sentences in your own words. But I will send all these in PDF. Okay? First है, the first chick wished that it could find a fat little boar. First little chick की wish क्या थी? उसे एक मोटा कीड़ा मिल जाए। Yes. कीड़ा। You have to write. You have to write here. Find a fat little ball. मोटा कीड़ा मिल जाए। Yes. Second. Second chick was looking for yellow meal. Nice yellow meal. Yes. Yellow meal. Mommy, yellow meal. Yes. Right. Off your audio. Okay, ma'am. The third chick wanted a little green leaf. Right. The third chick wanted a little green leaf. Fourth, the hen said that if the chickens wanted any breakfast, they should scratch the garden fence. Right? Yes. And now, exercise A2. Ma'am? Yes? Jena, ek doubt hai. Yes? Say? Ki... ये जो बोल रहे कि मुझे ये आशा है और जो हैन बोल रही है उनकी मम्मी बोल रही है कि यहाँ पे आओ और स्क्रैच करो तो उनको क्या वो खाना मिला या खाली घास फूस खाना पड़ा। You can imagine.
better tell me the answer. Okay? वैसे तो मैम उसको बोला कि उसके घर पे जाके पूछ ले। मैं कह सकती हूँ कि मिला होगा, हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए लाइफ में, क्योंकि मिट्टी के नीचे तो कुछ ना कुछ खाने के लिए मिल ही जाता है ना? Yes, ma'am. नहीं वो नहीं बोला, अगर गार्डन है तो घास फूस तो खाने को मिलेगा ही। yes, yes. पर उसका जो पहले का जो था कि मुझे मोटा कीड़ा मिल जाए, दूसरे को येल्लो मिल जाए, हाँ कीड़े भी होते हैं उसमें, वो पूरा पूरा हुआ कि नहीं वही पूछा। Only they want to have breakfast. एक्सरसाइज ए टू, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स, रीराइट द फॉल्स वंस करेक्टली। तो फर्स्ट है, द सेकंड चिक मेड अ फनी मूवमेंट विद इट्स बॉडी, फॉल्स। तो ये सारे ये फॉल्स है। मैम फर्स्ट का आंसर क्या था? व्हाट फर्स्ट आंसर? आई विल सेंड दिस एक्सरसाइज इन पीडीएफ, ऑल एक्सरसाइजेस ऑफ दिस चैप्टर आई विल सेंड इन पीडीएफ। क्लियर? ओके टाइम क्लियर मैम। ओके बाय। ओके मैम बाय। चैट कर रहा। बाय मैम। बाय बाय मैम। यस बाय। इलेवन चैट है। Yes. On Friday. Chapter number 11. Friday को क्लास है। Yes. Friday को क्लास है। फिर उसके बाद मैथ्स का क्लास है ना? उसके बाद। Yes. Okay. Bye everyone. Bye. Bye ma'am. Tomorrow I will send. Bye ma'am. Explanation of this chapter in offline video, so you can watch. Okay. Okay, ma'am. Bye. Tomorrow I will send. Sari exercise explanation pura chapter main kal bhej dungi dobara se. ठीक है? Okay. Okay. Okay, ma'am. Bye, ma'am. Hello. Hi, Sean.